प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी. ही विल कम टू सी. अरे अरे रुला दिया ना बेचारी को. भाई ये देख कर ना मगरमच्छ भी शर्मा जाए. मगरमच्छ भी कहेगा मैं तो यूं ही बदनाम हूँ, ये तो मेरा भी गुरु है और फिर वास्ते अच्छी एक्टिंग तो इसने की है. ही विल कम टू सी. जब पिक्चर बेचने की बात आई तो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं. और रामायण का मजाक बनाने के बाद जब गाली खाने की बारी आई तो हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं. आमी मानुस दो दिल में पलट गया. और भाई मेरे को लगता है कि आदि पुरुष के राइटर का दोस्त ना एनसीबी में जो सारा पकड़ा हुआ माल इसी को लाकर दे रहा है, उसी को फूंक कर इसने पिक्चर लिखी है और इंटरव्यू दे रहा है. हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं, बहुत हेवीली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे. पर डायरेक्टर साहब तो कुछ और ही बता रहे हैं. ही विल कम टू सी रामायण. रामायण. अरे मनोज भाई खुद तो फूंक ही रहे हो और साथ में डायरेक्टर साहब को और फूंकवा रहे हो. पूरे इंटरव्यू में राम जी, सीता जी, हनुमान जी और रामायण के बारे में बात किए जा रहे हैं. तुम कह रहे हो कि लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं. और भाई आदि पुरुष के मेकर्स ना आसमान में थूकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका थूका इन्हीं के मुंह पे आ गिर रहा है. बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है. अरे फूफा भक्त वो श्री राम के है, हमारे वो भगवान ही है. भाई ये रामायण का स्पूफ लिख के खुद को तुलसीदास समझ रहा है, कुछ भी लॉजिक बनाया जा रहा है. वैसे ये देखकर राहुल गांधी तो बहुत खुश होगा कि चलो कोई तो है जो मुझसे भी ज्यादा इलॉजिकल बातें करता है. बजरंगबली बालक समान भी है, उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है. जो चरित्र है उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी. अबे एमसी स्टैन के चेले तुझे क्या लगता है हनुमान जी का चरित्र छपरी है? छपरी भाषा बोलते थे वो. अगर इतना ही ज्यादा यूथ से कनेक्ट करना था तो 2-3 रैप बैटल और डलवा देता ना रावण और हनुमान जी के बीच. हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया. अच्छा क्या बात कर रहे हो चाचा, लगता है तुम गजनी के औला हो. अभी तो बोल रहे थे रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं. तुम खुद बोल रहे हो जो पढ़ी है लिखी है वही रामायण है, पर ये छपरी वर्ष वाली रामायण आज तक हमने कभी पढ़ी है न देखी है आदि पुरुष से पहले. तकलीफ हो रही है अंदर से, लेकिन बच्चे नहीं जानते. एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता हैं और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता हो. अबे तो तुमने अपनी कहानी में कौन सा बताया राम जी के पिताजी के पिताजी का नाम? इतनी ही चिंता है बच्चों की तो तुमने काय को नहीं बताया. भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. जब माँ सीता कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से टारगेटिंग है. अरे बंटाई के फूफा गलत है तभी तो बता रहे हैं, ऐसे डायलॉग ना होते तो कुछ होता ही नहीं. इस लॉजिक से तो 10 लोगों का बटुआ मारो और 4 गरीब लोगों की मदद कर दो, जब कोई पकड़ ले तो कहो 10 लोगों का बटुआ मारा है पर 4 लोगों की मदद भी तो की है ना, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच. अच्छा 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 अब मेरे को समझ आ गया भाई, मेरे को सब समझ आ गया. आदि पुरुष देख कर ना इसका भी दिमाग संतुलन हिल गया है, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ. आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं. भाई वो कथावाचक हैं और तुम जिससे बुलवा रहे हो वो हनुमान जी का किरदार है. और भाई किरदार का इतना प्रभाव पड़ता है कि लोगों के लिए वही सच बन जाते हैं. जैसे रामायण के अरुण गोविल जी लोगों के लिए भगवान राम जी ही हैं और तुमने हनुमान जी को क्या बना दिया, छपरी. ये बताना चाहते हो यूथ को? और भाई जो आज अपने छपरी डायलॉग के लिए सफाई देकर उनको सही बता रहा है वो बेशरम रंग गाने के ऊपर कुछ ऐसा बोल रहा था कि जब एक कपड़ा है जिसका रंग एक विशेष रंग से मिल रहा है ध्यान रखा जाना चाहिए, ना मिले तो अच्छा है, उसको बगैर मिलाई भी तो काम हो सकता था. ऐसा तो है नहीं कि जब आप एक फिल्म बना रहे हैं आपके पास इतना कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है आपका, इतने बड़े बड़े लोग आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं, कुछ और सोच लेते आप, उस वक्त आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आ जाती तो अच्छा था, ये कलह नहीं होती. चलो वो तो कुछ सेकंड के लिए और इत्तेफाक से होगा, पर तुमने तो जानबूझ कर ये डायलॉग लिखे हैं और जानबूझ कर रावण को छपरी बनाया है, राम जी को लेदर पहनाए और हनुमान जी को टपोरी भाषा बुलवाई, तब ख्याल नहीं आया? कुछ और सोच लेते आप, उस वक्त आपके दिमाग में बात क्यों नहीं आ जाती तो अच्छा था, ये कलह नहीं होती. तुम जानबूझकर करो तो क्रिएटिव और कोई इत्तेफाक से कर दे तो गलत, ये सब दोगलापन है. तो बस ठीक है भाई मैं चलता हूं. वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय.